अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम विज़िट करेंगे न्यू एंड ओल्ड ओरेगा मार्केट। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ खाने पीने के भी बड़े बड़े मज़े मज़े के स्टॉल थे, तो अब मैं आ गई ओल्ड ओरेगा मार्केट। दिखाइएगा इसके क्या प्राइस है। ये कितना दे रहे हो? हम देखते हैं 1200 रुपये का। 1200 रुपये ड्रेस में दे रहे हो आपको डिस्काउंट बढ़े इसमें। अच्छा, इसमें से है और ये काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। कहाँ है शॉप? आप लोगों को आता है कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट से तो उसे दोगे आप लोग, डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल। चले जी, आप लोग लाजमी आए इधर और अपनी कार्ड दिखा दो शॉप का। तो इनसे मैंने कुछ चीज़ें बाय की हैं, कपड़े वगैरह, और यहाँ मैं विज़िट करती हूँ कि मार्केट में क्या क्या। तो यहाँ से जब मैं आ गई तो मुझे कुछ कपड़े नज़र आए और जो कि इतनी शदीद महंगाई में इंतहाई सस्ते थे। 1500 के दो सूट वो दे रहा था और जस्ट 1500 में, और जो फैब्रिक था वो भी विंटर का था, खद्दर था, लिलन थी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे कि आप इजीली नॉर्मल वेयर करने के लिए, घर में पहनने के लिए आप आराम से ले सकते हैं। इतहाई सस्ते जूतियों की बेतहाशा कलेक्शन थी और ये अपने हिसाब से इनके प्राइस थे। यहाँ साइड पे हमें लगी भूख और हम ओरेगा आके लड्डू पीठी ना खाएँ, ये हो नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लिबर्टी का एक विज़िट करते हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था तो वो मुझे ज़रा ओरेगा में नहीं मिल सका। तो मैं आ गई हूँ लिबर्टी मार्केट और यहाँ पे जो कपड़े थे और चीज़ें थीं वो भी जो मतलब मुझे लगता है कि हर लिहाज से हर चीज़ मिल ही जाती है आपको अपने हिसाब किताब से जो भी लेना है। घर जाने की तैयारी की है, घर जाते आते बहुत सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो घर आते आते मुझे काफ़ी देर हो गई थी और मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग की। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया आलू चिकन बनाना, क्योंकि वही सबसे बेस्ट था अभी फ़िलहाल। घर में अवेलेबल भी थे आलू, तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त बना लेती हूँ, मतलब कि आलू चिकन बना लेती हूँ। यहाँ मैंने 3-4 इलायचियाँ और लौंग को ऑयल में कड़कड़ा लिया है। प्याज जो थे मैंने फ्राई करके साइड पर रख लिए थे, आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको छील के मैं साइड पर कर दूँ। तो बस फटाफट मैंने काम मुकाने की कोशिश की और माशाल्लाह से होता भी गया। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दही लिया और उसमें ऐड किए फ्राई प्याज और उसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने कुछ मसाला ले लिया था जिसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, कश्मीरी लाल मिर्च पिसी, हल्दी, नमक और ज़ीरा, उसको मैंने ऐड किया और मैंने जल्दी से ग्राइंडर कर दिया। तो यहाँ साइड पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 2 चम्मच और उसको अब मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी। तो बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे थे कि शीर खुरमा खाना है, तो मैंने यहाँ अलग से शीर खुरमे की भी तैयारी शुरू कर दी। देसी घी डाला है थोड़ा सा और इसको जैसे ही ये मेल्ट होगा तो इसमें हम सेवियाँ जो होती हैं शीर खुरमे वाली वो ऐड करके उसको ब्राउन कर लेंगे। जब ये इस पॉइंट पे आ गई तो मैंने इनको निकाल के साइड में प्लेट में रख दिया था अलग से, जैसे कि ये, और इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि ये जले ना, तो इनको साइड पर निकाल लेना है। अब अलग बर्तन में दोबारा से देसी घी मैंने लिया है। देसी घी वैसे ऑप्शनल है लेकिन देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी और चीज़ का टेस्ट अच्छा आता होगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट हो तो आपने इसके अंदर जो है ना इलायचियाँ वगैरह जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दी थी, या थोड़े से नट्स ले कर आप उसको जो है थोड़ा सा फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मेरे पास मिक्स नट्स पड़े हुए थे तो मैंने वो फ्राई कर लिए थे, ऐड कर दिए थे इसमें।
पका के मैं फारिग हुई थी कि अचानक से एक खाने का इनविटेशन आ गया और बाजी ने कहा कि वहाँ आ जाए और खाना खाएं हमारे साथ, तो बस अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही कि क्या अब जल्दी जल्दी से क्या करूँ, तैयार भी होना है, तो चलें गेट रेडी विद मी। काफ़ी लेट हो गया, 2:15 हो गए हैं और थकावट भी काफ़ी हो गई है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल, दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।